हाय फ्रेंड, नमस्ते प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं अच्छा। और चलिए, आज मेरा न्यू ब्लॉग में स्वागत है। हम आज क्या कर रहे हैं वो आप लोग को दिखा रहे हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और चलिए, आज आपको हम दिखा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। और सबसे पहले आप देखिए, इधर प्याज काट के रखे हैं और इधर केला उबाल करके रखे हैं। और आप देख सकते हैं केला का कोफ्ता बनाना है। और सबसे पहले अब इसको ठंडा कर ले, ठंडा पानी डाल करके। और ये देख सकते हैं कि किसका छिलका उतार लेंगे। ये देखिए, छिलका उतार जा रही है, बहुत तो गर्म है। ये देखिए, अच्छा से छिलका निकल जा रहा है। जो आया हुआ केला है, खूब अच्छा हो गया है केला। ये देखिए, ये खींचा है। हो गया। और इसको अच्छे से हाथ से नहीं छू सकते हैं क्योंकि बहुत गर्म है, हाथ जल जाएगी। इसको लोहिया में ही काट देते हैं चाकू से। तब इसको बेसन डाल करके, ये और ये छिलका डस्टबिन में डाल देते हैं। और ये देखिए, और कोफ्ता बनाने थोड़ा इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे। पेस्ट बना चुके हैं। थोड़ा नमक डालेंगे। थोड़ा मिर्ची पाउडर डालेंगे। और थोड़ा हल्दी डालेंगे। हो गया। और बेसन डालेंगे। बेसन डालेंगे। और ये देखिए, ये थोड़ा बेसन डालेंगे। इसको मैंने अच्छे से मिक्स हो जाने पर बेसन डालेंगे, जो गोला गोला बन जाए। तो बीच में बेसन हम डाल चुके हैं। और इधर कढ़ाही देखिए, ये देखिए, बारह के लिए केला को मिक्स दिए हैं बेसन में, अच्छे से दिख रहा है आपको। और इधर देखिए, कोफ्ता है, बारह कह रहे हैं, ये कोफ्ता है, केला का कोफ्ता ये बना रहे हैं हम। इसको अच्छे से प्लॉट लेंगे। देखिए, दिख रहा है कलर अच्छा। और चलिए चलिए, ये मेरा बन गया कोफ्ता। और ये केला का कोफ्ता हुआ। और इधर इसका ग्रेवी हम डबका रहे हैं, ग्रेवी में डालेंगे। ये देखिए, ग्रेवी भी रेडी हो चुकी है, अब ढबकने वाली है। और इसको डाल के हम आपको दिखाते हैं। चलिए, मेरा ग्रेवी ढबक रहा है और इसको डाल देते हैं। और ये अपने अच्छे से ढबक जाएगा। और यहीं पर वीडियो एंड करते हैं। और
फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय दोस्तों।